राजधानी भोपाल में पीएससी चयनित सहायक अध्यापक मध्य प्रदेश संघ द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी मौजूद थे। डॉक्टर प्रकाश खातरकर ने बताया कि तत्काल मध्य प्रदेश सरकार और उनकी शिक्षा मंडल ने विश्वास दिलाया है कि हमें नियुक्ति जल्दी की जाएगी, लेकिन कमलनाथ सरकार को एक साल होने जा रहा है, अभी तक हमारी नियुक्ति नहीं हुई। हर बार मुख्यमंत्री कमलनाथ और जीतू पटवारी ने हमें छल किया है। हम इस आंदोलन बाबा साहेब अम्बेडकर से महू से भोपाल तक लाए हैं और संविधान रक्षा के नाम पर दिया गया है, और बताया जा रहा है प्रदर्शनकारी किसी से नहीं डरेंगे। जब तक हमारी नियुक्ति नहीं होती हम यहाँ से नहीं जाएंगे, चाहे हमारी जान चली जाए। और कमलनाथ सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे। ये हमारी संविधान रक्षा यात्रा है। कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश चल रहा है, इसलिए हम बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली महू में गए थे। हम लोग प्रोफेसर लोग हैं, पीएससी से चयन होकर के हम लोग आए हुए हैं। हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, हमारी चॉइस के लिए हो गई। कई दिनों से पिछले 15 महीने से हम दर दर की टोकरे खाते, सरकार के दर दर के जो मंत्री है, विधायक है, सबके घर में गए, लेकिन हमारी कोई पुकार और सुनवाई नहीं हुई। इसलिए हम बाबा साहब के चरणों में गए थे वहाँ प्रायश्चित करने के लिए। बाबा साहब हमने ऐसी क्या गलती कर ली कि नेट से पीएचडी और उच्च शिक्षा और उच्च योग्यताधारी हम लोग हैं, उसके बाद में भी हमें नौकरी के लिए पड़काया जा रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो बिजनेस से डिग्रियाँ लेकर के आए, कई लोग ऐसे हैं जो बहुत ही गरीब परिवार के हैं, कई लोगों ने अच्छे अच्छे संस्थानों में काम किया, अच्छे अच्छे वैज्ञानिक लोग हैं। मैंने 14 महीने अंटार्कटिका में रह करके शोध कार्य किया, उसके बाद में मध्य प्रदेश की ऐसी दयनीय शिक्षा की स्थिति देख करके मुझे ऐसा लगता है कि हमने अपनी मेहनत से पीएससी परीक्षा पास की, तो मेहनत के बाद में भी सरकार हमको हमारे शिक्षित लोगों को ऐसा परेशान कर रही, तो बाकी लोगों का क्या हो रहा होगा। इसलिए हमने बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में अपना प्रायश्चित किया। या तो आप संवैधानिक संस्थाएं बंद कर दो, या तो मध्य प्रदेश के सारे कॉलेज बंद कर दो। हमारी ये मांग है कि हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति आदेश जारी करें। हम लोगों का जो चयन हुआ है प्रोफेसर के पद पे, लेकिन सरकार हमको केवल आश्वासन दे रही है। माननीय मुख्यमंत्री से कई बार हम लोग मिल चुके हैं, मुख्यमंत्री जी ने भी पिछले 12 तारीख को ठोस आश्वासन दिया था। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कहते हैं कि वो कभी भूलते हैं, हजार से की मंच से उन्होंने कहा था कि हमारी न्याय की सरकार है, तो हम भी ये चाहते हैं कि सारे असिस्टेंट प्रोफेसर जो 2700 लोग हैं कि हमारे साथ में न्याय करें। हम मऊ से भीख मांगते हुए आ रहे हैं, अपने भोजन का प्रबंध कर रहे हैं। रिपोर्ट खबर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। मध्य प्रदेश के कई जिलों व तहसीलों में संवाददाता नियुक्त करना है, हमसे जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें।